हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो आईसीसी वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है और अब फाइनली बात होने लगी आईपीएल की। जी हाँ, अगले महीने आईपीएल ऑक्शन होने वाली है और इस बार ऑक्शन होगी दुबई के अंदर, तो काफी ग्रैंड इवेंट होने वाला है। और उससे पहले ना अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहली ट्रेडिंग हुई है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। तेज गेंदबाज आवेश खान, जो कि पहले लखनऊ के लिए खेलते थे, अगले साल आपको राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वही देवदत्त पडिक्कल, जो कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज थे, अब वो आपको दिखेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के अंदर। मेरे हिसाब से काफी अच्छा ट्रेड है, लखनऊ को एक बल्लेबाज की जरूरत भी उस टॉप ऑर्डर के अंदर। और जो राजस्थान की टीम है ना, वो देवदत्त पडिक्कल को टॉप ऑर्डर में खिला नहीं पा रही थी, तो उनको एक गेंदबाज मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से दोनों के लिए काफी अच्छी बात है। हालांकि आवेश खान क्या करेंगे राजस्थान में आके, इसका तो मुझे भी नहीं पता। उसके अलावा गौतम गंभीर, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे, वो फिर एक बार जा चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर। जी हां, वो कोलकाता के मेंटोर होंगे। आने वाले दिन के अंदर और भी ट्रेड्स होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जो कि रिपोर्ट आई है न्यूज 18 की, उन्होंने दावा किया है कि एक बड़ी ट्रेड हो सकती है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में। और ये कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है। कहा जा रहा है मुंबई इंडियंस फिर एक बार हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में चाहती है। सबसे पहला सिनेरियो ये आया है कि वो डायरेक्ट स्वैप करना चाहते हैं। मुंबई चाहती है कि हार्दिक पांड्या फिर एक बार मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर आ जाए और उसके बदले में वो दो प्लेयर देने को तैयार हैं, जो कि हैं कप्तान रोहित शर्मा और जोफ्रा आर्चर। मेरे हिसाब से ये डील अगर होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि सीधे से स्वैप डील हो जाए, कि मुंबई से जो है रोहित शर्मा और आर्चर चले जाए गुजरात के अंदर और गुजरात से हार्दिक पांड्या आ जाए मुंबई इंडियंस की टीम में। और दूसरा सिनेरियो ये है कि इस बार तो रोहित शर्मा ही कप्तानी करे, लेकिन 2025 के अंदर हार्दिक पांड्या मुंबई को ज्वाइन कर ले और उनके कप्तान बन जाए। अब मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आप मुंबई इंडियंस के बारे में बात करते हो तो रोहित शर्मा का जो चेहरा है ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आता है। 2013 के अंदर कप्तान बने थे, पिछले वो 10-11 साल से इस टीम के कप्तान है, जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है आईपीएल के। लेकिन देखो, ये बात हम सभी को पता है, एज इज नॉट ऑन हिज साइड। वो 2-3 साल और मैक्स खेल सकते हैं, पर वो 36 साल के हो चुके हैं और मुंबई इंडियंस एक बहुत ही प्रोफेशनल आउटफिट है। मतलब मुझे भी लगता है ये चीज हो नहीं सकती, लेकिन नेवर से नेवर इन फ्रेंचाइज क्रिकेट। फुटबॉल के अंदर आप देखो, रोनाल्डो थे, रियल मैड्रिड थे, कहा जा रहा था कभी नहीं छोड़ेंगे, यूवेंटस गए, यूनाइटेड गए, अब वो सऊदी लीग चले गए, मेसी ने भी बार्सिलोना छोड़ी थी, कहा जा रहा था वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो नेवर से नेवर वाली चीज होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, बहुत प्रोफेशनल गेम है। मुंबई इंडियंस को पता है कि रोहित शर्मा अभी ज्यादा और साल नहीं खेलने वाले, हार्दिक पांड्या फ्यूचर हैं, बहुत सालों तक खेले हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम ने बनाया है जो वो बने हैं, पर गुजरात जाने के बाद जो कप्तानी दिखाई है पांड्या ने, एक साल उनकी टीम चैंपियन बनी, एक बार वो रनर अप रहे, तो हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी है ना, वो काफी ज्यादा ग्रूम हो चुकी है। तो मुंबई चाहती फिर एक बार मतलब हार्दिक पांड्या मुंबई में आ जाए। अब मेन बात यह कि क्या गुजरात हार्दिक को जाने देगी, जिस कप्तान ने उनके लिए इतनी कमाल की टीम बनाई है, क्या वो जाने देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुंबई इंडियंस ट्राई कर रही है इसको करने का, न्यूज 18 की रिपोर्ट एक काफी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट का आने से पता लगता है कि बातें तो स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, 2000 में जो दो साल पहले जो आपकी ऑक्शन हुई थी, वहां पे मुंबई ने हार्दिक को रिलीज कर दिया था, तब भी ये खबर थी कि हार्दिक कप्तानी करना चाहते हैं, गुजरात उनको कप्तान बना रही थी पहले से, इसलिए वो गुजरात चले गए थे। तो ये जो न्यूज है ना, आने वाले टाइम में और भी ट्रेड्स होंगी जिनके बारे में आपको वीडियो बना के बताता रहूंगा, लेकिन ये जो डील है ना गुजरात और मुंबई की, इसके ऊपर हम सभी को नजरें बना के रखनी है। आगे क्या अपडेट होंगी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को, इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।